तो दर्शकों, मैं आपका दोस्त मुन्ना ठाकुर और आज हम आपको श्रीनगर की सड़कें, गलियां, बाज़ार, हज़रत बल दरगाह और लाल चौक, ये सब हम आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले शहर की सड़कों और गलियों को देखते हैं। तो देखते जाएं, अभी हम और आप ढेर सारी बातें करेंगे और आपको तो पता ही होगा कि ये हमारा फैमिली टूर था और ये बहुत दिन का सपना था। तो खैर, मैं तो आया कश्मीर, अब मेरा सपना पूरा हुआ। इस बहाने मैं आप लोगों को भी वहाँ के वीडियो दिखा पा रहा हूँ, जो कि मन में बहुत ही खुशी है। और आप तो देखते ही हैं, मेरा वीडियो अपने तरह का होता है और इसमें कुछ अच्छाई बुराई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और चलिए चलते हैं, शहर के गलियों और सड़कों को घूमते हैं अच्छी तरह से। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो है आगे दाहिने में इंडोर स्टेडियम है श्रीनगर का। और ये देख रहे हैं ना सामने, ये इंडोर स्टेडियम है। और इसके बाद हम लोग आज आ रहे थे नौगांव से, RCPCR टेस्ट कराने गया था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो, संजोग से मुझे सीट आगे में मिल गया। और मैं तो लो बजट का घूमने वाला हूँ, इसलिए मुझे तो पहले शहरों में पता करना होता है कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है। तो मैंने बताया ना, मैं 3-4 दिनों तक रुका था श्रीनगर में और यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं, बसें मिलती है, सुमो मिलते हैं और जगह जगह आप इनसे जा सकते हैं 10-20 रुपए में। कहीं का भी सफ़र, पूरा सफ़र आप 20 रुपए में कर सकते हैं शहर का। और ये LD बोला जाता है, ये मशहूर जगह है, बहुत सारे जगहों के लिए गाड़ियाँ यहाँ से मिलती है। इस जगह का नाम है LD, ये सामने हॉस्पिटल है रेड कलर वाला, जो कि काफ़ी मशहूर है, सरकारी हॉस्पिटल था वो। और ये बाज़ार है श्रीनगर का बाज़ार, तो आप देख रहे हैं सभी कुछ मिलते हैं रेड़ियों पर, पटरियों पर और दुकान। कहा था ना, यहाँ के गलियों में बसें भी चलती है, ये लोकल बसें हैं और इससे आप शहर को घूम सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही घूम रहा था और चलते चलते मैं बाज़ार आ गया। और ये बाज़ार का पूरा अंदर का नज़ारा है। और इसके बाद हम लोग हज़रत बल चलेंगे। चलिए चलते हैं अब हज़रत बल दरगाह, ये आगे जो है हज़रत बल दरगाह है। Thank you.
ये सामने है लाल चौक, श्रीनगर का मशहूर, हर तरह से ये पॉपुलर चौक है लाल चौक। तो देखा ना, मैं जो हूँ बस या लोकल गाड़ियों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सफ़र करता हूँ। वो सामने जो लाल वाली बस दिख रही है वो ओपन एयर बस है, उससे भी आप लाल चौक या पूरे शहर को या डल लेक को आप उससे देख सकते हैं। और ये जो है कि बहुत ही अच्छी सुविधा है, 100 रुपये में डल लेक का सैर कराते हैं। और ये जो आगे बस जा रही है वही वाली, उसके छत पर भी आप बैठने की व्यवस्था है, उस पर लोग बैठे हुए हैं और आप भी उस पर बैठ के घूम सकते हैं और पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं। ये जो बाईं ओर नदी टाइप की दिख रही है, यही जब डल लेक से पानी छोड़ा जाता है तो इसी रास्ते से पानी झेलम में जाके मिल जाती है। झेलम जो कि एक बहुत ही मशहूर और नामी नदी है और वो कश्मीर शहर के, श्रीनगर शहर के बीच से होके गुजरती है, जो आप शहर घूमने के क्रम में देख सकते हैं और जो अच्छे अच्छे सीन भी प्रस्तुत करती है। और उसमें हर जगह आपको बोट हाउस भी मिल जाएगा, डल लेक हो चाहे झेलम नदी हो, हर जगह आपको बोट हाउस की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें। वापसी में मैं लखनऊ गया था तो अगला वीडियो लखनऊ पर होगा।